आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल श्री साविस्वाला गैलरी पर। सो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ ड्राइंग एंड पेंटिंग का DSSSB 2021 का क्वेश्चन पेपर। फ्रेंड्स, जो काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत से बच्चों ने DSSSB का फॉर्म फिल किया होगा, तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, ये वीडियो दो पार्ट में आएगी। फर्स्ट पार्ट में 50 क्वेश्चन को डिस्कस करूंगी और सेकंड पार्ट में भी 50 क्वेश्चंस को। तो उसमें जितने भी क्वेश्चंस के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूंगी। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस काल में सर्वप्रथम शैल चित्रों की खोज की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1867 से 1868। ये शैल चित्रों का समय है। नेक्स्ट है, नर्तकों के हरे रंग की चित्र एवं शिकारियों में लाल रंग की चित्रकारी किस काल से संबंधित है? राइट आंसर इज फर्स्ट, उच्च पुरापाषाण काल, जिसे हम कहते हैं अपर या फिर उच्च पुरापाषाण काल। और फ्रेंड्स, हमें ये भी ध्यान देना है कि नर्तकों के लिए हरे रंग का प्रयोग किया जाता था, नर्तकों के लिए पूरा पाषाण काल में, और शिकारियों के लिए लाल रंग का प्रयोग होता था। तो इस पे भी जस्ट पलट के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो क्वेश्चंस को भी गौर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भीमबेटका के चित्रों में प्रयोग किया गया हरा रंग निम्नलिखित में से किस पत्थर से निर्मित है? राइट आंसर इज कैल्सेडोनी। जो फ्रेंड्स कैल्सेडोनी है, इसका लैटिन शब्द है चाल्सेडोनियस, चाल्सेडोनियस, जो तुर्की के चाल्सेडेन शहर से लिया गया है, तुर्की के चाल्सेडेन शहर से लिया गया है। नेक्स्ट है, यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल को 2021 में विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया? राइट आंसर इज फर्स्ट, धोलावीरा। फ्रेंड, जो ये धोलावीरा है, इसको 2021 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, जिसे भारत का 40वां विश्व धरोहर सूची माना गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें 38वां, तो 38वां जो आपका है वो है गुलाबी शहर, जिसे यूनेस्को ने 2019 में विश्व धरोहर सूची में अपनाया था। 39वां यानी कि 39 है रामप्पा मंदिर, जिसे अपनाया गया 2021 में। फिर 40वां की हम बात करें तो 40वां आपका क्वेश्चन में ही है धोलावीरा, धोलावीरा जिसे 2021 में अपनाया गया। नेक्स्ट है 41 यानी कि 41वां, जो अभी हाल ही में अपनाया गया था विश्व धरोहर सूची में, शांति निकेतन, निकेतन। ऐसे ही फ्रेंड्स जिसको अपनाया गया 2023 में। ऐसे ही फ्रेंड्स और भी इम्पॉर्टेंट यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची के स्थल हैं, तो उनको भी आप जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट इज, अजंता की किस गुफा में बुद्ध, यशोधरा और राहुल से संबंधित चित्रकारी की गई है? राइट आंसर इज गुफा संख्या 17। फ्रेंड्स, ये जो बुद्ध, यशोधरा और राहुल का जो चित्र है गुफा नंबर 17 का, जिसे माता पुत्र का भी चित्र कहा गया है, तो इसमें कुछ हम इम्पॉर्टेंट इनकी विशेषताओं के बारे में अगर हम बात करें, तो ये जो चित्र है ये इसमें बुद्ध का आकार बड़ा बनाया गया है। हम थोड़ी थोड़ी पॉइंट्स को कवर करेंगे, इनके जो बुद्ध का आकार है वो बड़ा बनाया गया है, और बुद्ध के ऊपर देवदूत छतरी लिए हुए हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट इनका आ जाएगा आपका, कि ऊपर से जो उनके ऊपर पुष्प की बारिश की जा रही है, उसे हम, उसका नाम है परिजात पुष्प, वो पुष्प का नाम है परिजात पुष्प। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे अभी हाल ही में ड्राइंग एंड पेंटिंग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो बोधिसत्व पदम पाणी है उनके पीछे कौन से पक्षी, जो पक्षी दर्शाया गया, कबूतर जो दर्शाया गया है वो किस रंग का है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को इन्होंने काफी ट्रिकी बना दिया है,
तो ऐसे क्वेश्चंस को पकड़ने के लिए आपको डीप क्वेश्चन के आंसर को देखना पड़ेगा, चित्र का एनालिसिस करना पड़ेगा, अच्छे से चित्र को देखना पड़ेगा। तो इसमें जो बुद्ध के जो चित्र हैं यानी कि जो मूर्तियां हैं उसमें पारिजात पुष्प की वर्षा हो रही है। और फ्रेंड्स जो ये पारिजात पुष्प है इसे हरि सिंगार का नाम से भी जाना जाता है। ये हरि सिंगार इस पुष्प का नाम है और इसे पारिजात पुष्प भी कहते हैं। और इसमें कुछ और भी विशेषताएं की अगर हम बात कर लें तो बुद्ध के बाएं हाथ में इन्होंने चीवर पकड़ रखा है, चीवर पकड़े हुए हैं। और दाएं हाथ की अगर हम बात करें तो दाएं हाथ में इन्होंने पात्र पकड़ा हुआ है। ये सभी लोगों ने देखा होगा, पात्र उन्हें आगे बढ़ाने की मुद्रा में दर्शाया गया है जिसमें राहुल और यशोधरा की जो आंखें हैं प्रेम और श्रद्धा से उनको निहार रही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसका, तो इसको आप जरूर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार 6 जनवरी 2020 को दिवंगत हो गया यानी कि उनकी डेथ हो गई। राइट आंसर इज फर्स्ट अकबर पद्मसी। ऐसे ही हम अगर इनके सतीश गुजराल का देखें तो सतीश गुजराल की मृत्यु 26 मार्च 2020 में हुई। लक्ष्मण पै की मृत्यु 14 मार्च 2021 में हुई है। शिवा पाड़ी ग्रही तो इनका जो है 8 नवंबर 2020 में। तो ये हो गए आपके पॉइंट्स का। और अभी जो हाल ही में जिनकी मृत्यु हुई है 10 फरवरी 2024 में ए राम चंद्रन, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अभी हाल ही में 27 जनवरी 2024 में ही गोगी सरोज पाल, इनकी भी मृत्यु हुई है। तो ये आप ज़रूर नोट करिए कि कौन से ऐसे कलाकार हैं जिनका 2024 में देहांत हुआ है। तो ये सारी चीज़ें कवर करना बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, तो इनको आप ज़रूर नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रसिद्ध कलाकार ए अलमेलकर का सही पूरा नाम क्या है। राइट आंसर इज फर्स्ट अब्दुल रहीम अप्पा भाई अलमेलकर। अब्दुल रहीम अप्पा भाई अलमेलकर का जन्म 10 अक्टूबर 1920 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1982 ईस्वी में हो गई थी। इनका जन्म अगर हम बात करें, इनका जन्म हुआ है महाराष्ट्र के सोलापुर में, महाराष्ट्र के सोलापुर। इनकी शिक्षा सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से प्राप्त हुई, जे स्कूल ऑफ आर्ट। और इनका जो विषय है वो है नेटिविटी और स्वदेशी। काफी इनका विषय चर्चित है कि उन्होंने नेटिविटी और स्वदेशी पर कार्य किया। और सबसे ज़्यादा इनका जो फेमस है वो है ये लैंडस्केप आर्टिस्ट हैं, ये लैंडस्केप आर्टिस्ट एवं लघु चित्र आर्टिस्ट माने जाते हैं। मिनिएचर पेंटिंग्स भी इन्होंने बहुत बनाया है और एक लैंडस्केप आर्टिस्ट माने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने उमा नामक चित्र बनाया था। राइट आंसर इज थर्ड अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म 1871 ईस्वी में जोड़ा साको में हुआ। और फ्रेंड्स इन्होंने जो उमा नामक चित्र बनाया है इनका पूरा नाम है उमा द ग्रेट मदर डॉटर ऑफ द माउंटेन। और इसे इन्होंने वाटर कलर में पेपर लेड ऑन कार्ड, और इसका साइज जो है वो है 4.50 × 3.50 इंच। और अदर पॉइंट्स की अगर हम बात कर लें तो अदर पॉइंट्स हैं गगनेंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ है 1867 ईस्वी में जोड़ा साको में।
पश्चिम बंगाल। रविंद्रनाथ टैगोर, इनका जन्म हुआ 1861 ईस्वी, इनका भी जोड़ा साको पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है नंदलाल बसु, इनका जन्म हुआ है 1882 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माउंटेन वूमेन का चित्र किसने बनाया? राइट आंसर इज सेकंड, ललित मोहन सेन। इनका जो शॉर्ट नाम है वो है LM सेन, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछता है, तो इनका पूरा नाम है ललित मोहन सेन, शॉर्टकट में LM सेन। इनका जन्म हुआ है 1898 ईस्वी में शांतिपुर नदिया, ये है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है राजा रवि वर्मा, इनका जन्म हुआ 1848 ईस्वी में केरल के किलिमन्नूर। नेक्स्ट है नंदलाल बोस, 1882 बिहार के खड़गपुर में। नेक्स्ट है यामिनी रॉय, यामिनी रॉय का जन्म हुआ 1887 ईस्वी में बांकुरा जिला, बांकुरा जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कलाकार ने न्यूक्लियर रागिनी का चित्र बनाया था? ऑप्शन है FN सूजा, तैयब मेहता, ए रामचंद्रन, अब्दुल रहमान चुगताई। राइट आंसर इज थर्ड, ए रामचंद्रन। इनका जन्म हुआ 1935 ईस्वी में और इनका मृत्यु 2024। अभी मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया आपसे कि जिनकी मृत्यु अभी 10 फरवरी 2024 में हुई है। अदर ऑप्शंस को हम देख लेते हैं, FN सूजा, इनका जन्म हुआ है 12 अप्रैल 1924 ईस्वी में और मृत्यु हुई है 2002 में। तैयब मेहता 2026 जुलाई 1925 में इनका जन्म हुआ और 2009 में इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है अब्दुल रहमान चुगताई, इनका जन्म हुआ है 1897 ईस्वी में लाहौर पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने धातु के शटर पर महालक्ष्मी का चित्र बनाया? राइट आंसर इज फर्स्ट, अतुल डोडिया। अतुल डोडिया ने ये धातु की शटर पर महालक्ष्मी का जो चित्र बनाया है इसे इन्होंने 2002 ईस्वी में बनाया है। और इनकी जन्म की हम बात करें तो इनका जन्म हुआ 1959 ईस्वी में घाटकोपर मुंबई। नेक्स्ट है भूपेन खक्कर, भूपेन खक्कर का जन्म 1934 ईस्वी में मुंबई में हुआ। नेक्स्ट है जयंत पारेख, जयंत पारेख का जन्म 1940 ईस्वी में गुजरात में। नेक्स्ट नलिनी मलानी, इनका जन्म हुआ 1946 ईस्वी में कराची में। फ्रेंड्स मैं इसलिए इनका डेट डिस्कस कर रही हूँ कि जिन बच्चों को नेट का भी एग्जाम देना है तो उनके भी क्वेश्चंस कवर होते रहें, और कभी कभी तो ऐसे इनके डेट ऑफ बर्थ के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो हम इन दोनों को ही साथ में लेके चलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि डेट ऑफ बर्थ से क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं, जाहिर है आ सकते हैं क्योंकि आजकल इन पे क्वेश्चंस बहुत बन रहे हैं, तो हम सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आनंद कुमार स्वामी द्वारा किस शैली को पश्चिमी भारतीय शैली कहा गया? राइट आंसर इज फर्स्ट, गुजराती शैली। अब आनंद कुमार स्वामी की अगर हम बात करें तो इनका जन्म हुआ है 1877 ईस्वी में कोलंबो श्रीलंका। नेक्स्ट, सिगिरिया गुफा में निम्नलिखित में से कौन सा रंग का प्रयोग नहीं किया गया? ये सभी को पता होगा, जाहिर सी बात है नीला रंग, तो नीले रंग का प्रयोग अजंता में बहुत ही ज्यादा किया गया है। सबसे पहला उदाहरण बोधिसत्व पदम पहाड़ी और उसी के जस्ट अपोजिट की जो सिगिरिया गुफा है उसमें किस रंग का प्रयोग नहीं हुआ है? नीला रंग का।
क्योंकि कहा जाता है जो अजंता की गुफाएं हैं और जो सिगिरिया, जो श्रीलंका में सिगिरिया की गुफाएं हैं, तो सिगिरिया का जो गुफा है वो बिल्कुल अजंता से ही प्रभावित, यानी कि उसी से मिलता जुलता ही पूरा विषय दर्शाया गया है। लेकिन यहाँ पे सिगिरिया में नीले रंग का प्रयोग नहीं किया गया है, जबकि अजंता में पूर्ण रूप से नीले रंग का प्रयोग किया गया है। सिगिरिया आपका श्रीलंका में है, मटाले जिले में, और इसका जो टाइम पीरियड है वो है लगभग तीसरी शताब्दी, और यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर सूची में 1982 ईस्वी में रखा, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, और इसे यूनेस्को ने विश्व का आठवां आश्चर्य भी घोषित किया है। किसको? सिगिरिया को ही। और इसका जो निर्माण है वो 5वीं शताब्दी में राजा कश्यप प्रथम द्वारा किया गया था। टाइम पीरियड तो इनका 3री शताब्दी माना गया, लेकिन इसका जो निर्माण है, इस श्रीलंका गुफा की जो निर्माण है, वो निर्माण 5वीं शताब्दी में राजा कश्यप प्रथम द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल वेरूल कहाँ स्थित है? सबसे पहले तो फ्रेंड्स हम ये देख लेंगे कि वेरूल है क्या, वेरूल किसे कहा गया है। तो वेरूल आपका है एलोरा, जो एलोरा की गुफाएं हैं उसी का एक नाम है वेरूल, जो कहाँ पे है आपका, औरंगाबाद में है, और इसे यूनेस्को ने 1983 ईस्वी में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा था। अगर इसके कुछ और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो इनमें कुल 34 गुफाएं हैं, जिनमें 1 से 12 आपका है बौद्ध धर्म से, 13 से 29 है हिंदू धर्म से, जो टोटल 17 गुफाएं हैं, फिर है 30 से 34 गुफाएं यानी कि टोटल 5 जैन धर्म से हैं, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इस पर तो क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिफेंटा की गुफा में स्थित प्रसिद्ध कलाकृति सदाशिव की ऊंचाई कितनी है? राइट आंसर इज 7 मीटर। फ्रेंड्स ये जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र में स्थित है और इसमें टोटल 5 गुफाएं हैं, और यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज पे 1987 ईस्वी में रखा गया था, जिसे इन्होंने कौन सा स्थान दिया था, 11वां वर्ल्ड हेरिटेज का साइट था ये। और जो सदाशिव की मूर्ति है ये गुफा के प्रवेश द्वार में बनाई गई, प्रवेश द्वार पे, और शिव के इसमें 3 पहलू दर्शाया गया है, जिसमें पहला निर्माता का नाम दिया गया, पहला निर्माता, दूसरा संरक्षक, और तीसरा विध्वंसक। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्होंने 3 जो पहलू बताए हैं इनके। निम्नलिखित में से किस सचित्र पुस्तक में महावीर जैन तीर्थंकर के जन्म की घटनाएं चित्रित की गई? राइट आंसर इज 2 कल्पसूत्र। कल्पसूत्र किसने लिखा है? भद्र बाहु ने। और इनमें कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो इनमें जो इसमें पार्श्वनाथ यानी कि जो ये पुस्तक है, जिस सचित्र पुस्तक जो बनाई गई है कल्पसूत्र, इसमें पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी की जीवन चरित्र का वर्णन किया गया, और इस ग्रंथ की रचना महावीर स्वामी के निर्माण काल से 150 वर्ष बाद की गई थी, यानी कि कल्प सूत्र की जो रचना है वो महावीर स्वामी के निर्वाण के 150 वर्ष बाद की गई थी, और इसमें महावीर का जो चित्रण है वो 1375 से 1400 ईसा पूर्व के बीच किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा षडंग रूप की अनुभूतियों से संबंधित है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा भाव, भाव यानी कि फीलिंग्स, और प्रमाण, प्रमाण आपका हो जाता है अनुपात, जिसमें अनुपात की माप हम देखते हैं, साइज देखते हैं, लावण्य योजना, ये है सौंदर्य यानी कि बाह्य सौंदर्य,
नेक्स्ट है सादृश्य। सादृश्य का मतलब जैसा हमें दिखाई देगा वैसा चित्रित करना, सादृश्य यानी कि सामने से देखकर। और फ्रेंड्स इसमें अगर हम बात करें साइज में तो प्राचीन ग्रंथों में अनेक माप बताए गए हैं, जैसे कि नर को 10 ताल दिया गया है, क्रूर के लिए 12 ताल, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, असुर के लिए 16 ताल, और बालपन के लिए यानी कि छोटे बालक के लिए 5 ताल, और कुमार के लिए यानी कि बालपन से बड़े के लिए 6 ताल। तो ये फ्रेंड्स इसको आप नोट कर लीजिए, ये टीजीटी और पीजीटी के क्वेश्चंस में जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत, कौन से सिद्धांत वेब डिजाइन के लिए उपयुक्त नहीं है? राइट आंसर इज मार्ग निर्णय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जब दोनों पक्षों का दृश्य भार समान होता है तो इसे क्या कहा जाता है? राइट आंसर इज थर्ड सम्मिति संतुलन, यानी कि सिमेट्रिकल बैलेंस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सिमेट्रिकल बैलेंस होता क्या है। तो फ्रेंड्स सिमेट्रिकल बैलेंस जो आपका है इसमें समान भार होता है, यानी कि दोनों भार आपका पैरेलल होता है, यानी कि समान होता है, और इसके अंतर्गत रचना का एक भाग दूसरे भाग के समान ही दर्शाया जाता है। और सबसे ज्यादा फ्रेंड्स जिसमें सम्मिति संतुलन का जो प्रयोग है वो शास्त्री स्थापत्य के लिए होता है, वस्त्र एवं आभूषण के लिए होता है। ये कुछ विशेषताएं हैं, इनको आप की पॉइंट्स ही समझिए, इसको आप नोट कर लीजिए। और इसे औपचारिक संतुलन भी कहा जाता है, औपचारिक संतुलन यानी कि फॉर्मल बैलेंस। और इसका जो प्रभाव है वो गरिमा, निश्चलता, गतिहीनता, ठहराव, इन सबको प्रदर्शित करता है। अब हम बात कर लेते हैं असममिति संतुलन यानी कि एसिमेट्रिकल बैलेंस। तो इन दोनों में कंपैरिजन केवल इतना ही है कि ये जो सिमेट्रिकल होता है वो समान भार के लिए होता है, और एसिमेट्रिकल जो होता है वो आपका असमान भार के लिए होता है। और इसमें तो मैंने आपको बताया कि इसका जो प्रयोग होता है वो शास्त्रीय स्थापत्य के लिए, वस्त्र एवं आभूषण के लिए होता है, और इसमें जो आपका होता है वो होता है चाक्षुष भार यानी कि विजुअल वेट के लिए। और विज्ञापन कला में भी इसका संतुलन का प्रयोग किया जाता है, इसमें स्थापत्य रचना और आंतरिक सज्जा का प्रयोग किया जाता है, आंतरिक सज्जा एवं स्थापत्य रचना के लिए। इसके अलावा ये अनौपचारिक होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका सिमेट्रिकल औपचारिक यानी कि फॉर्मल होता है, लेकिन आपका जो असममिति संतुलन है वो अनौपचारिक होता है, इनफॉर्मल होता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डैश एक ऐसी तकनीक है जो द्विआयामी पृष्ठ पर त्रिआयामी जगत को निरूपित करती है या समतल पृष्ठ पर दिक स्थान और गहराई का भ्रम उत्पन्न करती है। तो इसका क्या होता है राइट आंसर? हो जाएगा इसका परिप्रेक्ष्य यानी कि पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा एक कूल कलर नहीं है? राइट आंसर इज सेकंड पीला। कूल कलर आप सभी लोगों को मालूम है, ठंडा कलर, जिसमें नीला, हरा, बैगनी और इससे बनने वाली अन्य जो भी रंगतें होंगी वो आपका कूल कलर में आएगा। वार्म कलर की हम बात करें गर्म रंगों की, तो इसमें हो जाएगा पीला, नारंगी, लाल, और इन तीनों से बने हुए जो भी रंगते होंगी वो आपके वार्म कलर में आ जाएगा। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आरेखण और चित्रकला में रंग के हल्के और गाढ़ेपन को क्या कहा जाता है? राइट आंसर इज फर्स्ट मूल्य। क्वेश्चन इज, यदि आरजीबी रंग संयोजन R255
जी 255, बी 255 है तो इसे कौन सा रंग प्रदर्शित होगा? राइट आंसर इज फोर्थ, सफेद। आरजीबी का अगर पूरा फुल फॉर्म की बात करें तो रेड, आर मीन्स रेड, जी आपका हो जाएगा ग्रीन, बी ब्लू। और फ्रेंड्स ये जो आपका 255 गुड़े 255 गुड़े 255, अगर इनको हम काउंट करते हैं तो ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आरजीबी रंग संयोजन आर 225, जी 225, बी 225 है तो इसमें कौन सा रंग प्रदर्शित होगा? राइट आंसर इज फोर, सफेद। आरजीबी के अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो आर मीन्स आपका हो जाएगा रेड, जी ग्रीन, बी ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्रेफाइट पेंसिल में HB का क्या अर्थ होता है? राइट आंसर इज फर्स्ट, हार्ड, ब्लैक। कुछ हम इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो ग्रेफाइट पेंसिल के विभिन्न प्रकार के ग्रेड होते हैं। जैसे कि अगर हम कठोर की बात कर लें तो कठोर में कौन कौन से ग्रेड आते हैं? 10H, 9H, 8H, 7H, 6H, 5H एंड 4H, ये आपके हो गए कठोर पेंसिल्स के ग्रेड। नेक्स्ट है मध्यम, यानी कि मिडिल। मध्यम में है 3H, 2H, ओनली H, F, HB और B। नेक्स्ट आता है मृदु यानी कि सॉफ्ट। सॉफ्ट पेंसिल्स भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। सॉफ्ट में 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B एंड 9B एंड 10B। फ्रेंड्स जो ये 10B है ये कृष्णवर्णी होता है। आई होप ये आपका क्लियर हो गया। अब मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कठोर हार्ड पेस्टल रंग का एक गुण नहीं है? राइट आंसर इज फोर, तैयार आरेखण को धुंधला होने से बचाने के लिए स्थिरी कारक की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यह तकनीक विभिन्न रंगों की दो परतों पर निर्भर होती है। पहले हल्के रंग के साथ कागज की शीट पर, फिर हल्के रंग को काले क्रियॉन से आच्छादित किया जाता है, फिर एक समुचित धरातल चीज लेकर इसे खरोचने के लिए उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया और तकनीक को कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफिटो तकनीक। फ्रेंड्स इसमें धरातल में खुरचन के लिए हम कुछ खुरचने का नुकीले पदार्थ का यूज करते हैं। अगर हम इनकी ग्रेफिटो टेक्निक के टूल्स की बात करें तो टूल्स में इनका आ जाएगा वायर, स्टाइलस टूल, काफी इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। नेक्स्ट टूल है मिनी रिबन, स्कल्प्टिंग टूल। नेक्स्ट है कैंपर टूल। ये तीन टूल्स आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फाइन लाइन पेन का उदाहरण है? राइट आंसर इज फर्स्ट, रोटरी पेन। फ्रेंड्स रोटरी पेन की अगर हम बात करें तो रोटरी पेन को हम क्या कहते हैं? फाइन लाइन पेन का उदाहरण, यानी इसको हम फाइन लाइन पेन भी कह सकते हैं, जिसकी स्थापना 1928 ईस्वी में फाउंटेन पेन निर्माता के रूप में स्थापित किया गया था। और फ्रेंड्स ये जो रोटरिंग है,
तो रोट रिंग का अर्थ होता है लाल रिंग, लाल रिंग, जिसे हम रेड रिंग भी कहते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर हम बैरोल फेल्ट पेन की बात करें, तो बैरोल फेल्ट, जो ये फेल्ट पेन है, ये बैरोल एक ब्रिटिश स्टेशनरी कंपनी है जिसकी स्थापना 1856 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन इज, ट्रू टेम्परा के मिश्रण से किया जाता है, किसे किया जाता है? राइट आंसर इज सेकंड, ताजे अंडों की जर्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तकनीक में कोई कलाकार प्रायः चित्रकारी के संयोजन में अखबार की कतरनों, कपड़े, वॉलपेपर और पैनल या कैनवास पर प्राप्त सामग्री का उपयोग करता है? राइट आंसर इज फोर्थ, कोलाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे विज्ञापन का जनक माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, डेविड ओगिल्वी। डेविड ओगिल्वी का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ यूनाइटेड किंगडम में। और फ्रेंड, डेविड ओगिल्वी का अगर हम पूरा नाम की बात करें, तो डेविड ओगिल्वी का पूरा नाम है डेविड मैकेंजी ओगिल्वी। इनके पूरे नाम को भी, यानी कि हर एक आर्टिस्ट के पूरे नाम को भी हमें कवर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टाइप मुद्रण कला टाइपोग्राफी में डैश वर्णों के बीच अंतर को एक अनुपातिक फॉन्ट में संयोजित करने की प्रक्रिया है, जो प्रायः दिखने में आकर्षक परिणाम प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाती है। तो राइट आंसर इज थर्ड, कर्निंग। और इसके अलावा एक और पॉइंट है फ्रेंड्स, कर्निंग यानी कि दो कैरेक्टर्स के बीच, यहां पे बात कर रहे हैं ना अनुपातिक फॉन्ट में, किसके बीच? वर्णों के बीच, वर्ण यानी कैरेक्टर्स के बीच, तो उसका आपका क्या हो जाएगा? कर्निंग। बहुत इजी है याद करने का तरीका, कि दो कैरेक्टर्स के बीच की जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं? कर्निंग कहते हैं। दो लाइनों के बीच की, जब लाइन की बात आएगी तो आपका क्या हो जाएगा? लीडिंग। और जब कैरेक्टर्स की बात आएगी तो आपका क्या हो जाएगा? कर्निंग। बहुत सिंपल सा याद करने का तरीका है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किताबब शब्द कला के किस रूप से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, सुलेखन, मींस कैलीग्राफी, कैलीग्राफी। यानी निम्नलिखित में से किस कलाकार ने प्रसिद्ध खोज इंजन गूगल का लोगो डिजाइन किया? राइट आंसर इज सेकंड, रूथ कैडर। फ्रेंड्स, ये रूथ कैडर जो है एक फीमेल डिजाइनर हैं, ये ब्राजीलियाई कलाकार और डिजाइनर हैं, और इन्होंने ही गूगल के लोगों का डिजाइन किया। नेक्स्ट ऑप्शन है पॉल रैंड। पॉल रैंड का जन्म 1914 ईस्वी में न्यूयॉर्क में हुआ, और ये एक अमेरिकी कला निर्देशक और ग्राफिक डिजाइनर भी रहे हैं, और अपने कारपोरेटर लोगो डिजाइन के लिए काफी प्रसिद्ध रहे। नेक्स्ट ऑप्शन है पॉल रैंड। पॉल रैंड का जन्म 15 अगस्त 1914 ईस्वी में न्यूयॉर्क में हुआ, और ये अमेरिकी कला निर्देशक और ग्राफिक डिजाइनर भी रहे हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है रॉब जेनोफ का। रॉब जेनोफ का जन्म कैलिफोर्निया में हुआ। ये कारपोरेट लोगो, मुद्रित विज्ञापनों, टेलीविजन विज्ञापनों के डिजाइनर माने जाते हैं। और सबसे फ्रेंड्स, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है, इन्होंने एप्पल लोगो को भी डिजाइन किया। तो एप्पल लोगो का डिजाइनर कौन है? रॉब जेनोफ है, और गूगल लोगो का डिजाइनर रूथ कैडर। नेक्स्ट ऑप्शन आता है ऑटो फिरले। ऑटो फिरले का जन्म हुआ है 14 अक्टूबर 1889 में, और ये एक जर्मन के स्थापत्यकार हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस फोटोग्राफर ने वी जे डे इन टाइम्स स्क्वायर नामक फोटोग्राफ लिया था? राइट आंसर इज अल्फ्रेड इसेनेस टेडे। इनका जन्म
1898 ईस्वी में हुआ और यह जर्मन मूल के अमेरिकी फोटोग्राफर और फोटो जर्नलिस्ट रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो अल्फ्रेड डिसनेस्टेडे हैं, इनका जन्म हुआ है 1898 ईस्वी में और ये जर्मन में के मूल रूप से अमेरिकी फोटोग्राफर और फोटो जर्नलिस्ट रहे हैं और न्यूयॉर्क में वीजे डे के समारोह के दौरान ही इन्होंने अपना जो फोटोग्राफ्स इन्होंने खींचा था उसका नाम इन्होंने दिया वीजे डे इन टाइम्स स्क्वायर। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है स्टीव मैकरी। स्टीव मैकरी का जन्म हुआ है 1950 ईस्वी में पेंसिल्वेनिया में। यह अमेरिकी फोटोग्राफर, फ्रीलांसर और फोटो जर्नलिस्ट भी रहे हैं। इन्होंने 1986 में मैग्नम फोटोज के सदस्य भी ये माने जाते हैं। जिस फोटो सदस्य के ये 1986 में सदस्य रहे हैं उसका नाम है मैग्नम फोटोज, जिसके सदस्य ये 1986 में रहे। क्वेश्चन है रॉबर्ट कापा। इनका जन्म 1913 ईस्वी में ऑस्ट्रिया हंगरी में हुआ और यह एक हंगेरियन अमेरिकी युद्ध फोटोग्राफर और फोटो जर्नलिस्ट रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक की जिल्द का पिछला भाग जो पुस्तक को बुक केस यानी कि किताबों की अलमारी में रखने पर दिखाई देता है वह क्या कहलाता है। राइट आंसर इज स्पाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विज्ञापन कंपनी ने बिस्लेरी जल का नवीनतम रचनात्मक विज्ञापन समझदार बिस्लेरी पीते हैं डिजाइन किया। राइट आंसर इज थर्ड 82.5 कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोविड-19 महामारी के दौरान सबसे उपयोगी कॉलर ट्यून के लिए किस महिला ने आवाज दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा जसलीन भल्ला ने। फ्रेंड्स, एक सबसे इम्पॉर्टेंट इनका ये है कि इन्होंने कोविड-19 के दौरान कॉलर ट्यून पे भी अपनी आवाज़ दी थी। इसके अलावा इन्होंने दिल्ली के मेट्रो में यानी कि दिल्ली मेट्रो में भी इन्होंने अपनी आवाज़ दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से किस कलाकार ने हिंदुस्तान यूनिलीवर के सर्फ एक्सल के दाग अच्छे हैं विज्ञापन अभियान के लिए आवाज़ दी। राइट आंसर इज ऋचा निगम। और इनका एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने 2007 में चक दे इंडिया में भी कार्य किया। ये सारे कीवर्ड्स हैं जो आप नोट करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसी घोष और केसी घोष नामक कलाकार निम्नलिखित में से किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं। राइट आंसर इज थर्ड कालीघाट शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से किस मुगल कलाकार ने 1545 से 50 में प्रिंसेस ऑफ द हाउस ऑफ तैमूर नामक चित्र बनाया था। राइट आंसर इज फर्स्ट अब्दुस्समद। निम्नलिखित में से किस कलाकार ने द मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शिकोह का चित्र बनाया। राइट आंसर इज थर्ड हाजी मदनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुगल कला शैली में कई कलाकारों को राजाओं से विशेष उपलब्धियां प्राप्त हुई थी। निम्नलिखित में से किस कलाकार को नादिर उर असर की उपाधि प्राप्त हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड मंसूर। रामायण का युद्ध कांड शीर्षक वाला चित्र निम्नलिखित में से किस राजस्थानी चित्रकला शैली में बनाया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ मेवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पहाड़ी शैली का चित्र कालिया मर्दन निम्नलिखित में से किस संग्रहालय में सुरक्षित है। तो ये सुरक्षित है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस कलाकार ने कृष्णा कुल्लू में बसंत चित्र की रचना की। राइट आंसर इज सेकंड निकोलस रोरी। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से किस कलाकार ने मेटा स्केप कलाकृतियों की
कलाकृतियों को चित्रित किया। तो मेटास्केप किसने तैयार किया है? अकबर पद्मसी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलाकार शर्बरी राय चौधरी द्वारा निर्मित चित्रकृति उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का माध्यम कौन सा है? राइट आंसर इज फर्स्ट ब्रॉन्ज। फ्रेंड्स, शर्बरी राय चौधरी का जन्म 1933 ईस्वी में हुआ। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का चित्र ब्रॉन्ज में बनाया, मूर्ति। इसके अलावा इन्होंने सिद्धेश्वरी देवी, इन्होंने ब्रॉन्ज में ही इसको बनाया है, सिद्धेश्वरी देवी की मूर्ति। इसके अलावा इन्होंने रिक्लाइंगिंग वूमेन, इसको भी इन्होंने ब्रॉन्ज में बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कलाकार जी आर संतोष के सही समय काल का चयन करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, 1929 से 1997। इनका जन्म हुआ 1929 में और इनकी मृत्यु 1997 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स, ये रहे 50 क्वेश्चंस फर्स्ट पार्ट में जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि ये फ्रेंड्स ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ ऐसे कीवर्ड्स मैंने आपको बताए जो नोट करना बहुत ही ज़रूरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं वो पॉइंट्स। मैं लेकर आऊँगी वो सेकंड पार्ट लेकर आऊँगी, जिसमें मैं 50 क्वेश्चन को भी कवर कराऊँगी। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही मेरे चैनल से बने रहिए, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, क्योंकि फ्रेंड्स इससे जितनी भी वीडियोस आएंगी उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, तो आपकी एक भी वीडियो मिस भी नहीं होगी, और जितने भी इम्पॉर्टेंट्स मैं कंटेंट लेकर आऊँगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।